Bang. Bos, vamos. Sini. Suno. अब मुझे वो बात करने दो जिसके लिए मैं आया हूँ। 22 अगस्त को खान ने जिम्मेदारी सौंपी है कि इस्लामाबाद में जलसा हर हालत में करना है। हमने इस्लामाबाद में जलसे भी किए, जुलूस भी किए। अगर हर पाकिस्तानी अमलन ये सोच ले कि अगर जब तक आप घरों से नहीं निकलेंगे, सुनो वो कैदी 804 आज बेगुनाह, उसकी नजरें आप लोगों की तरफ है। अब जब तक हर पाकिस्तानी घर से निकलकर खान के पीटीआई के जलसों में इस नजरिए के साथ नहीं जाएगा कि मैंने अमली तौर पे इस जिद्दोजहद में शरीक होकर पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि पूरा पाकिस्तान खान के लिए निकलता है, खान के साथ खड़ा होता है। अब नारे नारे लगाने का वक्त नहीं है, अब वक्त है, सुनो स्टेज वाले जरा खामोश हो जाए, घर घर में यह पैगाम पहुंचा दो। आप लोग 22 अगस्त को जो मुमकिन हो तो 21 अगस्त को सब लोग पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद उमट कर आए और इस्लामाबाद में खान का जलसा है 22 अगस्त को। जगह बताएं, डी चौक में नहीं। अब जरा मुझे बोलने तो देना, इस्लामाबाद में जलसा है तरनौल के मकाम पे। यार खामोश हो जाओ ना। अब अगर हम 1 लाख से बढ़ जाते हैं तब बढ़ेंगे जब पेशावर, मर्दान, मलाकंड, डी खान, बनू, लकी मरवत, करक, हरिपुर, अजारा, इब्दाबाद, पटाग्राम, शांगला, स्वात, बाजावड़, वजीरिस्तान, हर एक शहरी ये और पंजाब के लोग और बलोचिस्तान और सिंध के लोग हर एक ये समझे कि ये आप सबकी जंग है, ये हमारे बच्चों की जंग है, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जंग है। पाकिस्तानियों के जब तक अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जिद्दोजहद नहीं करोगे, खुदा की कसम तुम भी पामाल होते रहोगे और तुम्हारे हकूक भी पामाल होते रहेंगे। तो क्या 22 अगस्त को अपने लिए निकलोगे, पाकिस्तान के लिए निकलोगे, खान के लिए निकलोगे?